कल परावर्तन अपवर्तन समझ लिया था ना, इसी को कल के बारे में कुछ पूछना डाउट है। क्या रिवाइज करा दी? हम लोगों ने कल परावर्तन और अपवर्तन के बारे में देखा था। इधर परावर्तन देख लेना, इधर अपवर्तन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। परावर्तन में क्या होता है? आप जैसे आप जो कांच होता है शीशा जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसमें एक तरफ कलाई की होती है, मतलब एक तरफ पेंटेड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, एकदम आपका चेहरा दिखाई देता है। तो आपको कैसे दिखाई देता है? आपके चेहरे से क्या होता है, एक मिरर चलती है यहाँ और फिर यहाँ टकराती है और आपकी आंखों तक पहुंचती है। आपका चेहरा इस तरह से दिखाई देता है ना। आपका चेहरा कैसे दिखाई देता है? आपके चेहरे से प्रकाश की किरणें चलती हैं, है ना, और वो कहाँ टकराती हैं? मिरर। मिरर से टकरा के फिर वापस आंखों में आती है। तो आपका जो इमेज है आपके रेटिना पर बनता है उल्टा, फिर ब्रेन उसको सीधा देखता है, तो आपका चेहरा खुद दिखाई देता है। मान लीजिए कोई वस्तु है या मान लीजिए प्रकाश जो है इस दिशा से आ रहा है और यहाँ पे टकरा रहा है, बिंदु के लिए टकराता है वहां से वापस रिफ्लेक्ट होता है, जिसको कहते हैं इंसिडेंस, मतलब आपतित किरण, जिसको कहते हैं परावर्तित किरण। जहां पे दोनों जो ये माध्यम है कांच के पास टकराते हैं, वहां से उस पे लंब खींचते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। तो इसमें परावर्तन जो होता है वो उसी माध्यम में होता है जिस माध्यम में, मतलब दोनों जो किरणें हैं वो एक ही माध्यम में रहेंगी। एक ही माध्यम का मतलब है, जैसे मान लीजिए हवा में आपने कांच रखा हुआ है, हवा में आप चेहरा हवा में ही देखते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हवा में देख रहे हैं फिर पानी में चला जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। जब आपका माध्यम एक ही है, मतलब हवा है, तो हवा में ही आपतित किरण है और हवा में ही कैसी है परावर्तित किरण। ठीक, यहाँ जो एंगल है इसको आपतन कोण कहते हैं, इधर के एंगल को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसमें आपतन कोण का जो एंगल है वो बराबर होता है परावर्तन कोण, हमेशा ये बराबर होगा इसके, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, ये है क्या परावर्तन। अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन। अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं, ठीक है, जैसे यही कांच लीजिए लेकिन इसके कलाई को हटा दीजिए, आर पार दिखाई दे, है ना। जैसे ये जो ग्लास वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसमें अपवर्तन हो रहा होगा। आप देखेंगे, जैसे आप अगर देख रहे होंगे तो आपको जो दिखाई दे रहा है पौधे का नीचे का जड़, वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना। या वो जैसे आप पानी में सिक्का डालते हैं तो तिरछा दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है, पेंसिल डालेंगे तो मुड़ी हुई दिखाई देगी, वो सब अपवर्तन के ही उदाहरण है, है ना। छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे। तो अपवर्तन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक है विभाजन रेखा, ऊपर का जो माध्यम है वो हवा है और नीचे का माध्यम पानी है। पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी हवा की तुलना में, डेंसिटी मतलब घनत्व, है ना। तो पानी की डेंसिटी ज्यादा है, हवा का घनत्व क्या है, कम है। अब क्या होगा कि जब कोई किरण आएगी, ठीक है, एक किरण आ रही है, अब क्या होगा कि ये मीडियम जो इधर भी किरणें आ सकती है, यहाँ कोई बैरियर नहीं है किधर चला जाएगा। अगर यही यहाँ पे बैरियर होता, ग्लास लगा होता तो इधर चली जाती, लेकिन अगर ऐसा भी ग्लास है जो कि किरणों को आने जाने दे रहा है तो उसमें ये क्रिया हो जाएगी। जैसे धूप में आप वाहन खड़े किए हुए रहते हैं तो आप वाहन के अंदर भी बैठे होते तब भी आपको धूप लग रही होती है, लेकिन वही अगर रिफ्लेक्शन वाला कांच होता
जो काला कर देते हैं लोग, उससे अंदर नहीं आ पाती किरणें, वो बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणें जाती हैं, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा क्या होती है, विक्षेपित होती है, विचलित होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका माध्यम का जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। जब आप आराम से दौड़ रहे हैं, बीच में बालू आता है तो आपकी गति कम हो जाती है ना, होती है कि नहीं? अगर और कीचड़ आ जाए तो और गति कम हो जाएगी, गड्ढा आ जाए तो हो सकता है जीवन ही समाप्त हो जाएगा, गहरा होगा तो, है ना। तो ये क्यों होता है? सबके माध्यम में डेंसिटी अलग अलग। तो यहाँ से जो किरण आती है, तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे आएगी वहाँ पे एक अग्लब खींच देते हैं। अब क्या होता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरणें आती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मतलब कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर किरण आएगी, तो अधिक घनत्व में क्या होना चाहिए, उसकी गति तेज होनी चाहिए कि कम? कम होनी चाहिए, है ना। और वो क्या होती है, अभिलंब की ओर होती है, झुक जाती है, ठीक है ना। मतलब अधिक घनत्व या मालिक जब कम घनत्व की जगह से अधिक घनत्व की जगह पे वो की ओर किरण जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, ठीक है ना। ये अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर झुक है। अब यही आप माध्यम से उल्टा कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से कर दीजिए पानी और यहाँ से कर दीजिए हवा। अब यही किरण कहाँ से आ, सघन माध्यम से कहाँ आ रही है, विरल माध्यम से। तो जब सघन से विरल में आएगी तो यहाँ से दूर हटेगी, सघन से विरल में आने से दूर हट जाएगी अभिलंब से, ठीक है। तो ये इसके कुछ उदाहरण, जैसे पानी में पड़ा हुआ सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, है ना। और जो पेंसिल आप पानी में डाले हुए हैं तो वो आपको जितने भाग पानी होगा वो तो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब उदाहरण आप देख लीजिएगा इसको। हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग जो तरंगे हैं उनके बारे में बात कर रहे थे कल, तो उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। एक बार गलत अगर दिमाग में चला जाता है चीजें, तो वो हमेशा ही कंफ्यूज करता रहता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन तरंगों के बारे में जाना। साधारण माध्यम में जैसे जैसे ये तरंगे जाती हैं इनकी गति क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही ये साधारण माध्यम में मान ली जा रही है, अब कहीं जाते जाते इनकी गति धीरे होने लगेगी, तो आपको क्या अनुमान लगेगा कि माध्यम कैसा होता जा रहा है, विरल होता जा रहा है। जब हम कह रहे हैं कि जब सघन माध्यम में गति बढ़ती जाती है, लेकिन आप जा रहे हैं नॉर्मल रास्ता है, लेकिन जैसे जैसे आप जा रहे हैं तो ये आप जनरल एग्जांपल नहीं यूज कर सकते, लेकिन मान लीजिए तरंगे जा रही हैं, गति तेज है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद तरंगों की गति धीमी हो जा रही है, तो इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि जहां से धीरे होने लगा है वहां पे घनत्व क्या हो गया, घट गया है ना, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में दो तरह की स्थितियां हैं, हम लोग आगे देखेंगे, ठोस और अर्ध तरल और तरल। ठोस मतलब पूर्णतः ठोस है, अर्ध तरल मतलब कि ठोस और तरल का मिक्स है, और तरल मतलब पूर्णतः तरल है, उसमें कोई ठोस मात्रा नहीं, ठीक है ना। आपको हम पहले भी बता चुके हैं जब घनत्व तो पढ़ा रहे थे कि आप गहराई में जाते हैं तो घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन ये हमेशा फॉलो नहीं होता, इसको हम लोग अभी देखेंगे कैसे नहीं फॉलो होता है ना। तो ये और पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि तरंगे जो है वो जब चलेंगी तो घनत्व तो से क्या होगी, प्रभावित होगी, है ना। घनत्व तो बढ़ेगा तो गति बढ़ेगी, घनत्व तो घटेगा तो गति घटेगी। अगर हमको गति पता हो रही है, कम हो रही है, तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, घनत्व तो घट रहा है। हमको पहले ये नहीं पता था कि घनत्व तो ज्यादा है कि कम है, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भूकंपी तरंगों को सतह के पास से छोड़ा, और जैसे ये अर्थ है ना, मान लीजिए यहाँ के पास से हमने भूकंपी तरंगों को छोड़ा, भूकंपी तरंगे पूरे पृथ्वी पे गमन करती है, पूरे पृथ्वी पे ट्रेवल करेंगे, और उनको हमने इधर साइड पे ऑब्जर्व किया है ना, तो हमने देखा। और जो आपको एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है, भूकंप लेखी यंत्र, वो क्या करता है, इन्हीं भूकंपी तरंगों को ट्रैक करता है ना, कौन सी भूकंपी तरंग कैसी है, उसका एक ग्राफ बनाता है, उसी से आप भूकंप का वो जो एम्पलीट्यूड है ये सब निकालते हैं, तीव्रता ये सब निकालते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अगली यूनिट में जब भूकंप अच्छे से है उसमें पढ़ेंगे, यहाँ तो केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसी जानकारी मिलेगी। तो इस अवस्था में हमने देखा कि जब हम भूकंपी तरंगों को ऊपर से छोड़ रहे हैं या किसी माध्यम से निकल रही हैं, भूकंप ही आने के कारण मानिए प्राकृतिक, तो जब हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनकी गति में भिन्नता हो रही है, कुछ भूकंपी तरंग गायब भी हो जा रही है, केवल एक ही जा रही है, क्योंकि दो ही तो तरंग है पी और एस जो पृथ्वी के भीतरी भाग में ट्रेवल करेगी, एल तरंग तो पृथ्वी के सतह पर घूमेगी, वो पृथ्वी के भीतर नहीं जाएगी। तो ये सब चीजें हैं जिसमें हम देखेंगे, विशेषताएं कुछ देखते हैं, है ना। नोट्स में दिया हुआ है, छापने के लिए बिल्कुल मत पढ़िए। सबसे ज्यादा जो गति है वो पी तरंग की है ना, गति इसकी गति जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, सबसे ज्यादा गति पी तरंग की है, ठीक है ना, पी तरंग सबसे तेज चलती है। दूसरी बात, आपने तरंगों के बारे में पढ़ा होगा, दो तरह की तरंगे होती है, एक अनुदैर्ध्य होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, कोई बताएगा क्या अंतर होता है, जो पी तरंग है ये अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें दर्द याद करिए, दर्द याद रखने की जरूरत पड़ेगी, दर्द मतलब दाब, ये दबाव वाली तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी होती हैं, दबाव वाली, और वो की तरंगे भी दबाव वाली होती है, ठीक है ना। दबाव वाली तरंगे क्या होती हैं, जैसे आवाज हम बोलते हैं तो वो दबाव वाली तरंगे, कैसे वो चलती है, उसमें आप लोग अगर रिकॉर्डिंग किए हैं कभी, वॉइस रिकॉर्ड किए हैं, उसमें कुछ ऐसा ग्राफ देखते होंगे, जैसे जैसे आपकी आवाज तेज होगी ये लाइन बड़ी होती जाएगी, ऐसे देखें, तो लोग देखें
होगी उसका दबाव ज्यादा होगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी जब तेज होती है तो उसका जो क्या कहते हैं उसको लैम्डा को क्या कहते हैं, अरे तरंग दैर्ध्य। एक तरंग में दो चीजें होती है, जैसे अगर हम लोग ये तरंग देखें, ये तरंग का एक साइकिल है, एक चक्र है, यहां से शुरू हो रहा है फिर यहां पे आ रहा है फिर यहां शुरू हो रहा है, ऐसे ये चक्र है। इसमें दो तीन चीजें हैं, पहली बात एक चक्र ये जो है, ठीक है ना, ये कितने समय में लगा रहा है इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितने चक्र लगा रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। और ये जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ सुने होंगे, तरंग दैर्ध्य है ना। तो ये जो दूरी है कितनी है, तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं, और ये जो चक्र है इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कितने ज्यादा। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली होती है, इनवर्सली मतलब कि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा, एक बटे लिखा हुआ। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी, घटेगी, है ना। तरंग दैर्ध्य बढ़ने का मतलब इसकी जब दूरी बढ़ेगी तो ये कम से कम चक्र लेगा ना। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे तरंग दैर्ध्य इतना है, अगर मैं इसको इतना कर दूं तरंग दैर्ध्य, अगर कम करूंगा मैं तो आप किस तरह से देखेंगे, अब तरंग दैर्ध्य कितनी है, ये यहां तरंग दैर्ध्य इतनी थी एक चक्र की, यहां देख पा रहे इतनी है, इससे कम है तरंग दैर्ध्य की नहीं। तो अब कितने चक्र लगा रहा है, दो चक्र। तो तरंग दैर्ध्य कम हुई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, यही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तरंग दैर्ध्य कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, वही बात हो गई है ना। तो दबाव तरंग जो है वो कैसे चलती है, जैसे तरंग चलने की दिशा होती है, मान लीजिए अगर तरंग इस दिशा में चल रही है, जिस दिशा में तरंग जा रही है उस
इसी दिशा में उस तरंग के कण क्या करते हैं, वो भी उसी दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, उसी दिशा में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में उस तरंग के जो कण है वो भी क्या करेंगे, आवृत्ति करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना, ट्रेवल करेंगे। तो ये अनुदैर्ध्य होती है। इसमें दबाव कैसे बनता है, जहां पे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जहां पे फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, जहां पे तेज आवाज होगी, ठीक है ना, वहां पे ज्यादा सघनता में जो है कण होंगे। ठीक है, इस तरह से जहां पे थोड़ी आवाज क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी फ्रिक्वेंसी कम, तो वहां पे जो जो कणों के बीच की दूरी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से दबाव तरंगे प्रबल करेंगे। दूसरी तरफ ये जो तरंगे हैं ये कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, जैसे आप बिजली का एसी करंट का देखे होंगे, साइन ऐसे ही रहता है ना, एसी करंट। तो इसमें क्या है, इसमें जो यहाँ पे आप देख रहे थे ना, जो तरंग के कण थे वो उसी दिशा में गति कर रहे थे जिस दिशा में तरंग जा रही थी, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, वो कण जो है लंबवत गति करते हैं, तरंग के जाने की दिशा ये है, ठीक। लेकिन इसमें कण कैसी गति कर रहे हैं, इधर पहले ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, फिर नीचे की ओर, ठीक। इस कारण से ये इस तरह का वेग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम सीधे गति करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, बात समझ में आ रही है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या अंतर। अनुप्रस्थ तरंगे इस तरह के हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे इस तरह के। उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं, जैसे आवाज जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग, आवाज को चलने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। आप निर्वात में नहीं बोल सकते, निर्वात मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, में आपकी आवाज ट्रेवल नहीं करेगी, आपको आवाज ट्रेवल कराने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है ना। और जितना ही ठोस द्रव गैस, सबसे ज्यादा ठोस में ट्रेवल होगी आवाज की गति, सबसे ज्यादा किसमें होगी, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है ना। और जो अनुप्रस्थ तरंग है उसका उदाहरण जैसे साइन वेव्स होती है, है ना, ये सब है। तो अब हम लोग आते हैं उसके, तो जो प्राथमिक तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, दाब तरंग। ये तरंगे सभी माध्यम में गमन करती हैं, सभी माध्यम में चलती हैं, ठीक है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। ठोसों में गति सबसे ज्यादा होगी, तो अगर आप देखते हैं कि तरंग की गति सबसे ज्यादा चल रही, बढ़ती ही जा रही है ना, मतलब ठोस ज्यादा होता जा रहा है, ठोस ज्यादा होगा मतलब घनत्व ज्यादा होता जा रहा है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर पी तरंग की गति बढ़ती जा रही है मतलब ठोस ज्यादा होता जा रहा है, और उसका घनत्व क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। जैसे ही मान लीजिए इतनी दूरी तक वो पी तरंग की गति बढ़ी, लेकिन जैसे ही इसके आगे गया तरंग की गति कम होती जा रही है, मतलब कि यहाँ तक तो ठोस में घनत्व में वृद्धि हुई, लेकिन जैसे ही यहाँ जा रहा है घनत्व में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, ठीक है। और ये सभी माध्यम में गति करती है, इसलिए ठोस में भी जाएगी, द्रव में भी जाएगी, गैस में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट तरंग है एस वेव। एस वेव की जो गति होती है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, तो इसकी गति आप देख सकते हैं इसकी तुलना में पहले ही कम। इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे ज्ञान में, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग में अंतर बताइए, वैसे ही तीन कालम खींचेंगे और उसको लिख के जाएंगे, ठीक। तो इनकी गति कितनी है, 3.5, मतलब ये पहले ही इनकी गति क्या है, कम है, ठीक है। दूसरी बात, ये केवल ठोस में गमन करेंगे, इसमें ठोस में, ये द्रव और गैस में ही गमन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एस तरंग जा रही थी, ठीक है, अब ठोस
कोशों में इनकी भी गति वैसे ही बढ़ेगी, जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा गति बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए एस तरंग जा रही थी, लेकिन यहां के बाद एस तरंग आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या इससे अनुमान बढ़ेगा? यहां तक तो आ रही थी, लेकिन इस क्षेत्र में एस तरंग पता नहीं चल रहा है, तो क्या हो गया होगा? हाँ, मतलब माध्यम जो है ठोस के अलावा कुछ और, पृथ्वी के अंदर गैस तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा तो नहीं है उसका, लेकिन द्रव अवस्था मतलब जहां से इस तरह के गायब हो जाएंगे वहां पे मीडियम क्या हो गया, बदल गया है, ठोस से द्रव हो गया है। अर्ध तरल होगा वहां मिलेगी, अर्ध तरल में क्योंकि ठोस ही है ना, एकदम से तरल नहीं है, अर्ध तरल में ठोस और द्रव का मिक्स है अर्ध तरल में। ठीक है ना, अर्ध तरल में गति कम हो जाएगी, अर्ध तरल मतलब चट्टाने जो है वो थोड़ा पिघली हुई अवस्था में भी पूर्णतः पिघली नहीं है, ठोस ही है, मतलब वो कह सकते हैं कि ठोस से द्रव बनने के बीच की स्थिति है ना, जिसको संक्रमण कहते हैं आप, कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होने के बीच की जो सतह होती है या जो कड़ी होती है उसको। तो जब भी एस तरंगे ठोस में ट्रेवल करेंगी, क्योंकि ये केवल ठोस में गमन करती है, तो ठोस में तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा इनकी गति बढ़ती जाएगी, जैसे ही ये द्रव में पहुंचेगी इनकी जो पूर्णतः द्रव होगा उसमें ये गति ही नहीं करेगी, अगर अर्ध तरल है तो उसमें इनकी गति होगी लेकिन धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तरल का घनत्व तो कम हो जाएगा। ठीक है ना, अर्ध तरल का घनत्व तो कम हो जाएगा ठोस की तुलना में। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंगे मतलब कि तरंगों की गति जिस दिशा में होगी उसके जो कण है वो उसकी कैसी दिशा में, लंबवत दिशा में गति कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे सांप चलता है ना ऐसे ऐसे, तो वो अनुप्रस्थ तरीके से ही चल रहा है, सांप अनुप्रस्थ तरीके से चलता है, और हाथी कैसे चलता है? अनुदैर्ध्य, हाथी एकदम सीधा चलता है, और सांप कैसे घूमता घूमता चल रहा है? तो ऐसे याद रखिए कि अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो इस तरह से चलते हैं। ठीक, लास्ट तरंग है एल वेव, ये धनात्मक तरंग है, इनकी गति जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये केवल धरातल पर है ना, और इनमें घनत्व ज्यादा होगा सतह में, सतह पे भी कई तरह की चट्टाने हैं, कुछ कम घनत्व की है कुछ ज्यादा घनत्व की है, तो जहां कम घनत्व होता है वहां एल तरंगे धीरे चलती है, जैसे ही घनत्व ज्यादा होता है वहां एल तरंगों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, हम लोग चट्टान है हम लोगों के टॉपिक में, तो पढ़ेंगे कैसी कैसी चट्टान, तो इससे हमको आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अभी इसके बारे में कल प्रैक्टिकल नहीं, यही वाला कंप्लीट कर लेंगे, और इसमें देख लेता हूँ तो छोटा तो नहीं है, अच्छा हाँ, इसमें एक बात क्या है, एल तरंगे जो है वो दोनों तरह की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरह की। ठीक है ना, अनुदैर्ध्य तरंगे एल तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरह की तरंगे हैं। ठीक है, वो ठोस में भी चलेंगी, मतलब ये भी सभी माध्यम में चलेंगे, सभी माध्यम में, तो इसमें एल तरंगे सभी माध्यम में चल रही है, ई तरंगे सभी माध्यम में चल रही है, केवल एस तरंगे हैं जो केवल ठोस में चल रही है या अर्ध तरल में चलेंगी। है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ओवरऑल पढ़ेंगे कि कैसी कौन कौन सी परतें हैं, उन परतों में इन तरंगों की गति कैसे, कैसे पता चला कि उन परतों को कितने किलोमीटर में विभाजित कर लें, पृथ्वी के अंदर में कहाँ पे तरल अवस्था में है, कहाँ अर्ध तरल अवस्था में है, कहाँ ठोस अवस्था में है, कितनी परतें हैं, 3 मुख्य परतें और 6 जो उसके उप परतें हैं, सबका विभाजन है, सबको विभाजन करने की एक रेखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आने की संभावना पूर्ण होता है ना, तो सुपर हिट टॉपिक है। ठीक है ना, तो उसका मैटर भेजा है, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए।
नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, इमेज इसके दोनों बना लीजिएगा, बाकी कल बात करते हैं।